बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैर हैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी की ज़िंदगियों में हमेशा खैर और बरकत को कायम रखें, आमीन सुम आमीन। तो हाज़िर हैं जी एक न्यू वीडियो और एक न्यू व्लॉग के साथ। और आज हमारे घर में हो रही है बैंगन वाली इफ्तारी। तो बैंगन वाली इफ्तारी से मुराद ये है कि आज हमारे घर में बने हुए हैं आलू बैंगन, और इसके अलावा एक बैंगन की बहुत ही आउट क्लास रेसिपी है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें फिर अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ पे बैंगन बन रहे हैं, बैंगन बैंगन आलू। यहाँ पे आलू फ्राई हो रहे हैं, ये देख लीजिए। ये बाजी यहाँ आटा गूंथ रही है, देखिए जी। हेलो गाइस करो, हेलो गाइस बोलो ना, हेलो गाइस, गाइस नहीं आए, हेलो गाइस करो जरा, हेलो गाइस करो साथ, हेलो गाइस करो ना। आज हमने पहली दफा सलवार कमीज पहनी है जी। हेलो गाइस, ऊंचा बोलो, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। वो देखो अबू क्या कर रहे हैं, अबू क्या कर रहे हैं, अबू क्या कर रहे हैं, बताओ अबू क्या कर रहे हैं। पकोड़ा। ओ अबू बना रहे हैं जी पकोड़े। तो ये देखिए जी, हम आज बना रहे हैं काली दाल। तो ये जो है ना, हमने रखी हुई है बॉयल होने के लिए, गलने के लिए रखी है। आलू बैंगन तो हमारे तैयार हो गए थे। यहाँ पे हम आज ना काली दाल और मकई की रोटी बनाएंगे। ये देखिए आटा हमारा आ गया था, तो आज हम जो है ना रोजे में, ये देखें जी, तो मलंगा हमारा तकरीबन जो है ना कुछ कुछ हो गया है। अभी इसको छोड़ेंगे, यहाँ जी फ्रूट चाट बनाने के लिए ये चीज़ें जो है ना अभी ले आए थे जो है ना, काट रहे हैं इसको। तो उधर देखें, हमारी जो है ना ब्लैक वाली जो काली दाल थी वो भी तैयार हो रही है मज़ेदार से, साथ हम मकई की रोटी और मक्खन जब खाएंगे ना, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, देखिए बड़ा मज़ा आएगा। और साथ ये मैंने बताया, देखिए जी अम्मी बना रही है मकई की रोटी, ये खा रहे हैं पापड़। मैं वीडियो बोल नहीं आसास्ता हूँ, और ये भी हमने मकई की रोटी पर डाल दी है। और यहाँ पे हमारा फ्रूट कटिंग हो चुका है, ये देखेंगे बस लास्ट स्टेप रह गए हैं इसके। ये भी कटिंग होती है, ये फुल तैयार होता है, तो आपको दिखा। तो मलंगा जो है ना भिगो के छोड़ दिया था शरबत बनाने के लिए, ये देखेंगे। देखें जी जहाँ मिश्री बन रही है, बगाम पानी डाला जा रहा है, ये देखें जी। हाँ दरअसल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हम जो है ना शरबत ताजी बना रहे हैं, तो इसलिए ये देखिए अभी इसमें चमचा मारा जा रहा है जी। बाद में ठंड है, हाँ ना, शरबत पी नहीं जाती यहाँ पे, लेकिन आज हमारा दिल कर रहा था ना, दिल कर रहा। और इधर ये देखें जी, सारे मौसम बान जो है ना, ये बान क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? दो ग्लास बोल सारे। तो ये देखिए तैयार हो चुका है, अभी हम इसमें ना बादाम थोड़े थोड़े क्रश करके डालेंगे अभी। यहाँ पे ये देखिए जी जी हमें शुरू
तो ये जो हमने तो मलंगा भिगो के रखा हुआ था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ठंडा होता है, इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा आप इस पर गोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल गुन कतीरा और ये तो मलंगा, ये देखो जी मज़ेदार प्यास लग रही है। अरे जी मकई की रोटियाँ, यहाँ दूसरी रोटियाँ तैयार हो रही हैं यहाँ पे। अब सही है कौन सा रोटियाँ दी है, तो ये देखें जी आज हम साथ साथ बैंगन भी बना रहे हैं, मज़ेदार से चटपटे से बैंगन। अभी हम इनको जो है ना मसाले लगेंगे। ये देखें जी सीरे को जो है ना इस तरह से करें, आसानी से हो जाएगा, हाथों पे ना करें हाथों में। मेरी तरह तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये ऊपर डाल देंगे जी। आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। थोड़ा सा जी मिक्स मसाला डालेंगे, स्पाइसी आपने करने तो आप अपनी मर्जी से करें। मुर्गी मसाला डालें ना डालें आपकी मर्जी है, लेकिन अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इसको जी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि इनकी दोनों साइडों पर जो है ये लग जाए। थोड़े थोड़े बीच में कट लगा दें कि ये जो है ना अंदर तक पक जाए, मसाला भी अंदर तक लगे। मसाला लग चुका है, यहाँ पे जो है ना हमने कढ़ाई में जो है ना ऑयल डाल के रख दिया था गर्म होने के लिए। अभी हम इसमें एक एक करके ये बैंगन डालेंगे। और अबू बना रहे हैं पकौड़ों का सामान जो रेडी हो चुका है। तो ये देखें जी ये खाना गल चुके हैं, तो मैं उनको उतार रही थी, बाकी तो मैंने उतार दी हैं, ये थोड़े से रह गए हैं तो इनको भी उतार लेते हैं। ये अंदर तक गल चुके हैं, ये देखें गल चुके हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट गल चुके हैं, देखें। ये जी हमारे पास थोड़े से बादाम थे, हमने थोड़े थोड़े ये भी ऐड कर दिए इसमें। और ये वाला जी हमने अम्मी और अबू के लिए निकाल दिया था, वो क्रीम वाला नहीं खाते, तो अभी जो है ना ये बाकी का जो बादाम बची हुई है हम इसमें डालेंगे। आमिर जी तुम हो गई भगवान ने पाक लगा लिया।
और हम इसमें ऐड करेंगे चाहिए फ्रूट कॉकटेल, थोड़ा सा ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। अच्छा जी, थोड़ा सा फ्रूट चाट में फ्रूट कॉकटेल डालें। तो जी हमने ऐड कर दिया इसमें सारा, तो बस अब इसको मिक्स कर लेंगे और डिशर्व कर लेंगे। जी यहाँ हमारी अफ्तारी तैयार हो चुकी है, तो चलें जी तब के लिए इतना ही, इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। चलें जी अजान होने वाली है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे सभी की अफ्तारी हो गई है, लेकिन चाय के बगैर कोई भी अफ्तारी कंप्लीट नहीं होती, तो बन रही है यहाँ पे गर्मा गर्म सी चाय। और चूल्हे को थोड़ा नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि अफ्तारी के टाइम पे ना बहुत हल्ला मच जाता है किचन में, और बहुत सारे बर्तन भी जमा हो गए हैं जी अफ्तारी के, ये भी धोने हैं, किचन भी साफ़ करना है, चूल्हे को भी वाश करना है। तो बस काम काम काम, दिन रात करें हम काम, और जब काम से थक जाएँ तो फिर खूब करें आराम। तो यहाँ पर हम लोग पियेंगे सबसे पहले चाय, इसके बाद करेंगे काम, और उसके बाद करेंगे खूब सारा आराम। तो करती हूँ यहाँ पर अपनी वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।